हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुझको 5,000 करोड़ और एनडीटीवी को 10,000 करोड़ को मानहानि से डराने वाले अंबानी, ना मैं डरूंगा ना एनडीटीवी। निजी समाचार चैनल एनडीटीवी पर रिलायंस ने मानहानि की है। अनिल अंबानी की कंपनी ने अहमदाबाद की एक अदालत में नोटिस भेजी है, जिस पर 26 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। वहीं इस मामले पर सियासी गलियारों में भी हलचलें तेज हो चली है। आप सांसद संजय सिंह, जिन पर पहले से ही रिलायंस ने मानहानि का केस किया है, उन्होंने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप सांसद ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझ पर 5,000 करोड़ और एनडीटीवी पर 10,000 करोड़ की मानहानि सच की आवाज को दबाने की कोशिश है। देश को लूटने वालों का कोई सम्मान नहीं। चेहरे पर जो लाली है, राफेल की दलाली है। 20 अक्टूबर 2010 बजे नवरंगपुरा सिविल कोर्ट अहमदाबाद में पहुंचकर अपना पक्ष रखूंगा। गौरतलब है कि ये केस एनडीटीवी के साप्ताहिक शो ट्रुथ वर्सेस हाइप पर किया गया है, जो 29 सितंबर को प्रसारित हुआ था। इस शो में राफेल सौदे में रिलायंस की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। इस शो में चैनल के अनुरोध के बावजूद रिलायंस का कोई आला अधिकारी शामिल नहीं हुआ था। बता दें कि मानहानि पर एनडीटीवी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये अनिल अंबानी समूह द्वारा तथ्यों को दबाने और मीडिया को अपना काम करने से रोकने की जबरन कोशिश है। एनडीटीवी का कहना है कि वो अदालत में पूरे तथ्यों के साथ अपनी बात रखेगी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।